दो दिन पूर्व अलीगढ़ शहर की जमालपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक पुलिस कर्मी द्वारा कवरेज कर रहे पत्रकार से अभद्रता और उसका कैमरा छीन लिया गया था, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह विरोध किया गया। इसी विरोध के क्रम में हाथरस में पत्रकार प्रेस परिषद द्वारा आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बैठक कर मांग की गई और न्याय न मिलने की स्थिति में आंदोलन करने को विवश होने की भी बात कही गई। आज पत्रकार प्रेस परिषद पत्रकार सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है। जैसा कि अभी जो है क्या कहते हैं, दो दिन पूर्व अलीगढ़ जनपद के पत्रकार मुसीर अहमद के साथ हुआ, ऐसा आए दिन प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर पत्रकारों के साथ हो रहा है। तो पत्रकार प्रेस परिषद इस पूरे प्रकरण की घोर निंदा करती है। जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही है पुलिस के द्वारा, वो भी योगी सरकार में, जहां पे योगी सरकार के आते ही ये बोला गया था कि पत्रकारों को उचित सम्मान मिलेगा, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, उसके बावजूद भी पत्रकारों के साथ आए दिन घटनाएं हो रही है। इसको लेकर हम लोगों ने बैठक की और हम चाहते हैं कि हम योगी सरकार का ध्यान केंद्रित करें पत्रकार सुरक्षा को लेकर, और अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी और ऐसे निरंकुश पुलिस कर्मियों पे कोई भी कड़ाई नहीं की जाएगी जो पत्रकारों के साथ आए दिन अभद्रता करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस पूरी जो है चीज को आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। आज हाथरस में जनपद कार्यालय में पत्रकार प्रेस परिषद की बैठक रखी गई। ये अहम बैठक जो अलीगढ़ जनपद में पत्रकार मुसीर अहमद के साथ जो अभद्रता की गई पुलिसकर्मी के द्वारा, उसको लेकर रखी गई थी। और इस बैठक में सर्वसम्मत से ये पास हुआ है एक प्रस्ताव कि यदि अगर उस सिपाही को बर्खास्त नहीं किया गया तो पत्रकार प्रेस परिषद पूरे प्रदेश भर में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी, और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है जिलाधिकारी और जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देकर करेगी, और अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो रोडों पर आकर आंदोलन करेगी।